you mm -hmm. बैक टू माई चैनल दैट्स बैक अकेडमी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन मैनेजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ना प्रोडक्शन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को क्या करता है प्रोड्यूस करता है इसको अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे देखिए अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ को अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी फैक्ट्री में कहीं भी कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हम रिसोर्स को लाते हैं उन रिसोर्स को हम एक पर्टिकुलर मैनर से ट्रांसफार करते हैं ट्रांसफार्म करने के बाद हम उसको एक ऐसी आ, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूजफुल है आपके कस्टमर्स के लिए ठीक है और ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाते हैं ना ये होता है विद हेल्प ऑफ सर्टन पॉलिसीज़ अपने कंपनी की कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं जो कि आपके मैनेज क्या करती है उसको बनाती है तो प्रोडक्शन सिस्टम के हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्शन है ना ये एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है ठीक है मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो फुली प्लान होती है और इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है सेकंड सेकंड बात करेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आपके इनपुट्स को लेता है और उसी इनपुट्स को मॉडिफाई करके आपको यूजफुल आउटपुट्स दे देता है थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन सिस्टम जो है ना इसकी वजह से हमें क्या मिलता है फीडबैक अपने कस्टमर से जब फीडबैक मिला तो उसकी वजह से आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो उसमें कौन से लूप होल्स हैं कौन सी लिमिटेशन है तो उसको ओवरकम कर सकते हो प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो चार टाइप्स के हैं ठीक है थीके? तो बात करते हैं पहला जो हमारा है दैट इज कॉल्ड इज अ जॉब शॉप सेकेंड है दैट इज द बैच प्रोडक्शन सिस्टम थर्ड वन इज कॉल्ड एज द मास प्रोडक्शन एंड फोर्थ वन दैट इज द कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन ये चार तरह के आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम्स है इन चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन तो सबसे पहले अगर बात करेंगे दैट इज द जॉब शॉप प्रोडक्शन जॉब शॉप प्रोडक्शन में क्या होता है इसमें जब भी आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो या तो बहुत ही कम क्वालिटी दैट इज़ द फ्यू क्वांटिटी या एक या कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स डिमांड और जो टाइम होता है ना यहाँ पे फिक्स्ड होता है पहले ही कि इतने टाइम में हमें इतने प्रोडक्ट्स चाहिए और कॉस्ट भी यहाँ पर प्रीडिफाइंड होती है सेकेंड अगर हम बात करेंगे इसकी मशीन्स की तो यहाँ पे जो मशीन्स होती है ना वो जनरल परपज मशीन्स होती हैं जो अरेंज की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हर मशीन की और क्या है कि हर एक जॉब जो है ना जो भी हम काम या जो भी टास्क कर रहे हैं वो हर एक टास्क की एक अलग रिक्वायरमेंट्स है दैट इज द यूनिक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ठीक है और इसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम इनको क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं और हम अपने आउटपुट्स निकालते हैं करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे जॉब शॉप प्रोडक्शन की तो सबसे पहले अगर बात करेंगे जो प्रोडक्ट्स uh, हैं प्रोडक्ट्स की वैरायटी तो काफ़ी हाई होगी लेकिन इसका वॉल्यूम कम होता है सेकंड जनरल परपर मशीन्स और फैसिलिटीज चाहिए थर्ड हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए हमें इसमें ठीक है जो हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स है ना वो हर एक जॉब कोई भी जॉब हर एक जॉब अलग अलग है यूनिक है तो वो उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उन पर काम कर पाते हैं आराम से फोर्थ की बात करेंगे दैट इज़ इन्वेंट्री जो है मटेरियल्स की टूल्स पार्ट्स की काफ़ी ज़्यादा है अब एडवेंटेज की बात करते हैं एडवेंटेज में सबसे पहले जो है प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं क्यों क्योंकि जनरल पॉप मशीनस हैं फैसिलिटीज भी जनरल हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता सेकंड ऑपरेटर्स जो हैं वो काफी स्किल्ड हैं क्युं? क्यों क्योंकि हर एक जॉब से उनको एक अलग सी लर्निंग ऑपरचुनिटी मिल जाती है अब बात करेंगे इस सिस्टम सिस्टम की की एज हर एक अपनी होती हैं पहली कॉस्ट की बात करेंगे तो काफी हायर है क्यों क्योंकि जो सेटअप है वो काफी फ्रिक्वेंटली हमें चेंज करना पड़ता है सेकेंड इन्वेंट्री कॉस्ट काफी हाई है इन्वेंट्री का मतलब क्या है दीज आर ऑल दो गुड्स एंड आइटम्स जो आपके बिजनेस मैन सेल करते हैं इन ऑर्डर टू गेन द प्रोफिट इन ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे प्लानिंग प्लानिंग जो है इसकी प्रोडक्शन काफी, है. काफी हमें चाहिए इसमें, है? अब सेकेंड वाला हमारा सिस्टम बैच प्रोडक्शन सिस्टम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो ये जो सिस्टम है ये डिफाइन किया था ए पी आई सी एस वैट दैट इज अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इनवेंट्री कंट्रोल सोसाइटी तो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे आपके जॉब जो है वो पास होते हैं कुछ अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट से लॉट्स में या बैट्स में और हर एक रॉट दैट्स लॉट जो है उसकी अपनी अलग रूटिंग है रूटिंग uh, का मतलब क्या है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पाथ पाथ सिलेक्शन किसी भी नेटवर्क में ठीक है तो अब बात करेंगे इस सिस्टम की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि ये सिस्टम जो है बैच प्रोडक्शन हम कब कब यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? पहले हम तब यूज कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्शन रन्स जो है काफी शॉर्टर हो प्रोडक्शन रन्स की बात करेंगे तो ये क्या है ये वो पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे आपकी मशीन पे ऑपरेशन हो रहा है ठीक है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन रन्स तब हम यूज कर सकते हैं आपका बैच प्रोडक्शन जब क्या है ये प्रोडक्शन रन्स क्या है कम है सेकेंड जब आपका प्लांट और मशीनरी जो है ना वो फ्लैक्सिबल है जहां पे आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्लांट और मशीनरी को इजीली अल्टर कर सकते हैं वहां पे हम बैच प्रोडक्शन सिस्टम का यूज करते हैं थर्ड जब आपका मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफेक्चरिंग टाइम जो है और कॉस्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफेक्चरिंग टाइम क्या है ये वो टाइम है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है जॉब ऑर्डर टाइम क्या है ये वो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जो किसी भी प्रोडक्ट को लगती है ठीक है Uh, किसी भी स्पेसिफिक uh, आप आपके जो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या लगता है टाइम ओके सेकेंड बात करेंगे एडवेंटेज अब इस सिस्टम की कुछ एडवेंटेज हैं यूटिलाइजेशन काफ़ी बेटर है uh, ठीक है अब यूटिलाइजेशन बोले तो सीधा दैट इज द हायर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो काफ़ी हाई होती है ंड बात करूंगी मैं दैट इज इट प्रोमोट द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ठीक है उसका मतलब क्या है दैट इज वट डू यू मीन बाई फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वो बात करेंगी तो सिंपली वी कैन कॉल दैट दिस इज ए दिस इज़ एनी प्रॉपर्टी अ बायोलॉजिकल सिस्टम ओके तो जनरल में हम इसके लिए यूज करते हैं ये टर्म दैट इज स्पेशलाइजेशन तो थर्ड की अगर हम बात करेंगे एडवेंटेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो काफ़ी लो है अब बात करते हैं ये कॉस्ट पर यूनिट क्या है तो ये होता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट दैट आर प्रोड्यूसड तो वहाँ पर हमें निकलती है कॉस्ट पर यूनिट वो काफ़ी कम होती है अब फोर्थ वाला एडवांटेज की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है प्लांट में और मशीनरी भी जो है इन टोटल uh, बात करेंगे प्लांट और मशीनरी की तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम्स अब फिर से अब हम uh, इस वाले सिस्टम की लिमिटेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले लिमिटेशन जो है इसकी है मटेरियल हैंडलिंग काफ़ी कम्प्लेक्स है क्यों क्योंकि अगर बात करेंगे आ, जो इरेगुलरिटी है फ्लोज़ की काफ़ी इरेगुलर फ्लोज़ हैं और काफ़ी लॉन्गर फ्लोज़ हैं क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हम एक बार बना देते हैं सेकंड प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल जो है कम्प्लेक्स है प्रोडक्शन प्लानिंग वो स्ट्रेटजी होती है वो ऑपरेशन होते हैं जो आपके मैन्यूफेक्चरर्स को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना काम राइट प्लेस पर कर पाए और सही टाइम पे कर पाएं। थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ द मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन की बात नाम से ही पता चल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो इन बल्क बनाते हैं ठीक है यहाँ पे डिस्क्रीट पार्ट्स को आप असेंबल करते हैं एक कॉन्टीअस प्रोसेस की हेल्प से और जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो तो बात करेंगे सिंपली सिंपली इस प्रोडक्ट को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो ब्रीफली हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट्स बना बना रहे हो तो वो काफ़ी हाई होते हैं बल्क में होते हैं इनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स इस सिस्टम की पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आ गया कि इस प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्ट्स के आपके जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है सेकेंड की बात करेंगे तो जो आपका साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी शॉर्टर है ठीक है साइकिल टाइम की हमने पहले से ही बात कर ली कि टाइम जितना टाइम आपको लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में ठीक है वो काफी कम है क्योंकि प्रोडक्ट्स ज्यादा बना रहे हैं हम तो एक प्रोडक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक है थर्ड की बात अगर हम करेंगे तो प्रोसेस इन्वेंटरी जो है वो काफी कम है फिर से इन्वेंटरी जो है ये हम यूज करते हैं टर्म दैट इज फॉर टूल्स मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स जो भी आपकी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म दैट इज इन्वेंटरी इन केस ऑफ योर इंटरप्रिनरशिप तो एडवांटेज की बात करेंगे अब एडवांटेज जो आपकी है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी हायर है और साइकिल टाइम रिड्यूस्ड है साइकिल टाइम क्या है दैट इज द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन टास्क आपका टाइम कितना लग रहा है एक टास्क को कम्प्लीट करने में दैट इज कॉल्ड एज योर साइकिल टाइम ठीक है तो यहाँ पे आपका साइकिल टाइम कम होगा लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपकी हायर सेकेंड जो आपकी ऑपरेटर्स चाहिए हमें ज्यादा हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स की नीड नहीं होती यहाँ पे लेस स्किल्स ऑपरेटर्स चाहिए है. ये इसकी काफी एडवांटेज है थर्ड बात करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो काफ़ी लो है कॉस्ट पर यूनिट फिर से याद करा दूँ दैट इज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड तो लिमिटेशन की बात करेंगे लिमिटेशन सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ड्रॉबैक ये है कि अगर एक मशीन आपका काम करना छोड़ देगी तो आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी दैट मीन्स इट्स डिपेंडेंट इट्स इंटरलिंक्ड हर एक मशीन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है एक ने काम करना बंद कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम डाउन सेकेंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होगी ये इसकी एक लिमिटेशन है तो ये था आज का आपका लेक्चर आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब